Now next example again based on array and pointer operation. इस केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टार ऑपरेटर. इस केस में हो सकता है सिंटैक्टिकली ये ऑपरेशन आपको इनवैलिड दिखे लेकिन रियल केस में ऑपरेशन कैसा है वैलिड. मीन सिंपली आपको परफॉर्म क्या कराना है इस केस में ऑलरेडी मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग के केस में सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म किस बेस पर होते हैं बेस्ड ऑन गिवन एड्रेस ऑफ बिगिनिंग एड्रेस और अप टू पोजिशन ऑफ द नल. जब भी आपको कहीं भी स्ट्रिंग दिखता है उसके इसमें स्ट्रिंग के लिए आप ऑलवेज क्रिएट क्या करोगे सम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. टोटली से स्ट्रिंग ए बी सी के अंदर फोर कैरेक्टर्स थ्री कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं प्लस ये टर्मिनेट किससे और नल से देन बिगिनिंग थ्री कैरेक्टर्स मैनुअली इनिशियलाइज किए ए बी सी. सपोज दैट एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 100 द रिमेनिंग प्लेस का एड्रेस क्या 101 102 103. लेकिन अगर आप कहीं भी स्ट्रिंग यूज करते हो स्ट्रिंग के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस किया होता है स्ट्रिंग का बेस एड्रेस. अगर इस लोकेशन का एड्रेस 100 है तो इसको आप नेम प्रोवाइड कर सकते हो 100 ऑफ 0 और सिंपली वी कैन से 100 ऑफ 0 और 100 ऑफ 1. इसको राइट करने का अदर वे क्या यूज कर सकते हो ऑल्सो 100 ऑफ 1. दोनों के मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम. इस केस में जस्ट इसको नेम किया तो स्टार ए प्लस आई ए के प्लेस पर क्या है 100 प्लस आई के प्लेस पर क्या है 0 तो इसका मीनिंग क्या है इक्विवेलेंट टू स्टार 100 सेम है इन दैट केस और अदर केसेस. क्लियर. फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा ए बी सी. ए बी सी क्या है एरे ऑफ कैरेक्टर्स और एरे के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100 तो रिप्लेस क्या हुआ फाइनली 100. देन 100 के लिए अप्लाई करो स्टार तो फाइनली 100 रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस. मीन्स फाइनली चेक कर सकते हो 100 लोकेशन में वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर ए. फाइनली इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा ओनली सिंगल कैरेक्टर ए. देन परसेंट सी के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा सिंपली ए. आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज सिंपली ए. नेक्स्ट एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग केस है. इस केस में जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया ए. ए के केस में टाइप क्या इसका जस्ट इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स. इस केस में जस्ट मैं स्टैक डायग्राम क्रिएट करूंगा रिगार्डिंग ए. ए का टाइप क्या करेंटली इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स. तो इंटीजर वेरिएबल्स के लिए फाइनली कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 2 बाइट्स. सपोज दैट दिस लोकेशन इज 100 नेक्स्ट लोकेशन क्या 101. फाइनली ये 2 बाइट्स एलोकेट किसके लिए हो रहा है वेरिएबल ए के लिए. ए का बिगिनिंग एड्रेस क्या 100 प्लस ए में आसान क्या हो रहा है वैल्यू एज 261. इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी बिगिनिंग सेशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ. सेम ऑपरेशन से अप्लाई हूँ. सबसे पहले जब ए में 261 असाइन करा तो 261 डायरेक्टली स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म. बाइनरी फॉर्म इसका बाइनरी नंबर क्या है व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 261. 261 के रिस्पेक्ट में जस्ट बाइनरी क्या है इसका 1490 देन 0101. क्लियर. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 261. लेकिन इसमें बिट्स कितने देयर आर 9 बिट्स असाइन किस मुरा ए में और ए के पास अवेलेबल बिट्स कितने जस्ट 16 बिट्स. 8 बिट प्लस 8 बिट इज 16. उसको 16 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट अब ऐड क्या करा लेंगे एक्स्ट्रा बिट है 0 इज 7 टाइम्स 0. दिस इज द फाइनल बाइनरी नंबर ऑफ 261 असाइन किस में जाए लोकेशन ए में. तो लोकेशन ए में असाइन कराएंगे देन लोकेशन ए के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंसिडर करोगे जब इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट बाइट इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बाइट प्लस ये असाइनमेंट कैसे हुआ लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किस एड्रेस में करा 101. सबसे पहले असाइनमेंट किस में होगा 101. नेक्स्ट वन नेक्स्ट वैल्यू असाइन किस में होगा 100. इस जस्ट असाइनमेंट कैसे हुआ राइट टू लेफ्ट टू. सबसे पहले टॉप मोस्ट लोकेशन में कैसा 0000101. सेकेंड बाइट में जस्ट असाइन क्या हो जाएगा 0000001. अगर इस टाइप के ऑपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है ना आप बिगिनिंग सेशन वॉच कर सकते हो ना आपके लिए सेम कॉन्सेप्ट इजीली समझना पॉसिबल है. अगर आपने बिगिनिंग सेशन वॉच किए ना आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हुआ जस्ट इन दैट केस फाइनली असाइनमेंट के जस्ट बाद आपको चेकआउट करना फाइनली ए का बेस एड्रेस क्या है 100. तो स्पेस हो जाए आप राइट डाउन कराओगे एड्रेस ऑफ ए. एड्रेस ऑफ ए का जस्ट मीनिंग क्या स्पेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा ए का बेस एड्रेस और ये का बेस एड्रेस क्या है जस्ट 100 तो रिप्लेस क्या हुआ 100. लेकिन 100 रियल में देखा जाए तो 100 किस टाइप का एड्रेस है एड्रेस ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल. मींस कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट हुआ ऐसे 2 बाइट्स का. क्लियर. लेकिन इस केस में जस्ट 100 के लिए टाइप कास्टिंग किस हो रहा है कैर स्टार में. इसे एड्रेस 100 इटसेल्फ कंसीडर किया हुआ है कैरेक्टर पॉइंटर और कैरेक्टर एड्रेस. जब कैरेक्टर एड्रेस के लिए स्टार अप्लाई करो तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार
100 already considered हो चुका है जैसे character address character pointer के according और type casting के according 100 just considered होगा address of single byte just because of type casting. तो star से just कितनी bytes difference होगा only one byte from 100 onwards. तो इस केस में finally इस place पर replace क्या है value of star 100 which is that place. इस place का value क्या है just 5. तो finally इस केस में output क्या display होगा 5 और a में क्या स्टोर है 261 तो a के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट 261 दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. यस कोड के केस में आउटपुट क्या है 261 स्पेस 5.